गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आज का हम लोगों का रिवीजन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 पे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। सी, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं। एक कॉन्ट्रैक्टी होता है जिसके लिए असेट बनता रहता है, और एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो असेट को कंस्ट्रक्ट करता है। ऑब्वियसली जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कॉन्ट्रैक्टी के जरूरत के और विशेष के हिसाब से होता है, और कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है उस असेट को कंस्ट्रक्शन करके देना। इस कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट में कई बार एग्जिस्टिंग असेट वहां पे होती है। जैसे मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग बन रही है, तो एक एग्जिस्टिंग छोटा बंगलो टाइप का वहां हो सकता है, उसको डिमोलिश करने का कॉन्ट्रैक्ट भी उसी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहता है। प्लस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में बहुत सारे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग हो, आर्किटेक्ट हो, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। तो अगर सबका कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस एक साथ नेगोशिएट किया हुआ है तो फिर वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो फिर उसको एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह अकाउंटिंग किया जाता है। और अगर सारे कॉन्ट्रैक्ट का नेगोशिएशन अलग 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 हुआ है, तो फिर हरेक को एक 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 कॉन्ट्रैक्ट मानते हुए, अगर चार कॉन्ट्रैक्ट है, इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट, आर्किटेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, एग्जिस्टिंग असेट डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर चारों का चार अलग अलग अकाउंटिंग करना पड़ेगा, उसी तरीके से जैसे अभी हम सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ाएंगे। प्रोसेस वही रहेगा पर चार अलग अलग हिसाब होगा, तो चार प्रॉफिट लॉस अलग अलग निकलेगा। सबका मिलाकर के एक साथ बनाना होगा तो फिर एक सिंगल प्रॉफिट लॉस निकलेगा। तो ये बड़ा ध्यान देने का चीज होता है। ऑल्दो सीए इंटरमीडिएट में इस चीज को लेकर के क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वेदर द फोर कॉन्ट्रैक्ट्स आर वन और वेदर दे फोर आर सेपरेटली टू बी रिकॉर्डेड। इफ दे आर नेगोशिएटेड एज वन कॉन्ट्रैक्ट, इफ दे आर टॉक्ड अबाउट एज ए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, then they are one and we will record only one P&L for that. If they are negotiated separately, then they are four contracts, four working has to be prepared, four profits will arise. अब इसमें क्या होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर का काम करने में जितना पैसा लगेगा प्लस उसमें वो एक फिक्स्ड परसेंटेज या एक फिक्स्ड फीस मिला करके आपसे प्राइस लेगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उसमें भी रहेगा पर प्राइस फिक्स्ड प्राइस नहीं रहेगा, कॉस्ट प्लस प्राइस रहेगा कि इतना मेरा खर्चा लगा, ये उसमें जोड़ेंगे, ये टोटल पैसा हम आपसे लेंगे। और फिक्स्ड प्राइस में क्या है कि मान लो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस पहले से डिसाइडेड है कि हम आपसे 4500 करोड़ रुपया लेंगे या 420 लाख रुपया लेंगे, एक प्राइस पहले से डिसाइडेड रहता है। जब फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें एक एस्केलेशन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एस्केलेशन क्लॉज बोलते हैं लोग उसको। उसमें क्या होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने में तो 3 साल 4 साल 5 साल भी लगते रहते हैं, तो अगर फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो 4500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, और मटेरियल लेबर ओवरहेड्स वगैरह के दाम अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और उसको अगर बेचारे को वही 4500 करोड़ रुपया ही मिलेगा जो कि वो पुरानी प्राइस के हिसाब से हिसाब करके अपना नेगोशिएट किया होगा, तो वो गलत होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में रखता है कि अगर मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के दाम अगर बढ़ जाते हैं तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी रीनेगोशिएट हो जाएगा और हमको इतना रुपया प्राइस वेरिएशन मिलेगा, मतलब 4500 प्लस मेरे को इतना रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। सो वो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में होता है, कॉस्ट प्लस में इसलिए नहीं होता क्योंकि कॉस्ट में वो बढ़ा हुआ मटेरियल लेबर का दाम ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा और उसका परसेंटेज प्रॉफिट भी 20% जो मिलेगा वो भी ऐड हो जाएगा। तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में एस्केलेशन का क्लॉज नहीं होता, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में एस्केलेशन का क्लॉज होता है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में यह बोला हुआ है कि चाहे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, जो रेवेन्यू और कॉस्ट रिकॉर्ड होगा पीएल में, वो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड से होगा इन ऑलमोस्ट 99.99% केसेस। सिर्फ 1% केसेस में या 0.01% केसेस में जब कॉन्ट्रैक्टर को आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, माने कॉन्ट्रैक्ट से रिजल्ट क्या आएगा,
प्रॉफिट लॉस कितना आएगा, अगर कॉन्ट्रैक्टर इस चीज को रिलायबली एस्टीमेट नहीं कर पाता, इफ द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिलायबली एस्टीमेटेड, तो कॉन्ट्रैक्ट में परसेंटेज कंप्लीशन मेथड नहीं लगा करके उसमें यह होता है कि जितना खर्चा लगा उतना रुपया रेवेन्यू डाल करके पीएल में नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन डाल के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाता है, मतलब साल को खत्म कर दिया जाता है, माने पीएल में जितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ उतना ही रेवेन्यू लिख के नो प्रॉफिट नो लॉस में डाल के साल खत्म हो जाता है। बट दैट हैपन्स ओनली वेन द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के नॉट बी रिलायबली एस्टिमेटेड। इफ द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी प्रॉफिट लॉस, मैंने अगर हिसाब किताब हम पूरा कर पाते हैं, देन परसेंटेज कंप्लीशन मेथड विल बी यूज्ड। पहला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, वेन आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के नॉट बी रिलायबली एस्टिमेटेड, के नॉट बी। तो मान लो एक सिचुएशन ऐसा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे हम लोगों ने किसी को बोला वी आर द कॉन्ट्रैक्टर, ये पूरा जो A7 है ये बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर है। तो मान लो हमने कॉन्ट्रैक्टी को बोला कि कॉन्ट्रैक्टी ने मेरे को बोला एक बिल्डिंग बना दो 4 फ्लोर का, हम उसको बोला 200 लाख रुपया लगेगा, काम चालू हो गया। काम चालू हुआ ईयर 1920 में, मई जून में चालू हुआ, 3 साल लगेंगे। मेरा इस साल टोटल खर्चा इनकर हुआ 60 लाख रुपीज, 200 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 60 लाख मैंने खर्चा कर दिया था। अब इसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने में मेरा और कितना खर्चा लगेगा ये हम एस्टीमेट नहीं कर पा रहे हैं, एकदम रिलायबल एस्टीमेट नहीं हो रहा है। तो फिर ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि कितना प्रॉफिट कमाएंगे कि लॉस होगा, आई एम अनेबल टू फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज इट्स अ यूनिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर प्रोजेक्शंस आर नॉट पॉसिबल। तो A7 बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक ये चीज पॉसिबल नहीं है तब तक आप जब पीएल बनाओगे तो जितना कॉस्ट आपका लगा उतना ही रुपया आप रेवेन्यू डाल करके पीएल को नो प्रॉफिट नो लॉस वाले जोन में डाल के साल खत्म कर दीजिए। फिर जब आपका आउटकम रिलायबली एस्टीमेट हो जाएगा तब आप परसेंटेज वर्क डन से काम कर लीजिएगा, अभी तब तक कॉस्ट इक्वल टू रेवेन्यू डाल के काम खत्म कर दीजिए जैसा मैंने एग्जाम्पल में बताया। अब मेरा अगला एग्जाम्पल है वेयर आउटकम कैन बी रिलायबली एस्टिमेटेड एंड हाउ दैट परसेंटेज वर्क डन मेथड और परसेंटेज कंप्लीशन मेथड इज यूज्ड। अब मैं उसका एक दो एग्जाम्पल लेता हूं, फिर एक लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल लेके काम खत्म करेंगे। तो मान लो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 300 लाख रुपीज, हमने अभी तक कॉस्ट इनकर किया है से 80 लाख रुपीज, और मेरा फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट, ये CITD शॉर्ट में है कॉस्ट इनकर टिल डेट, और मेरा फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट लगेगा 160 लाख, टोटल 240 लाख रुपया लग के कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहां पे आप देख पा रहे हो कि हम फुल डेटा के साथ रेडी हैं, फ्यूचर में भी जो खर्चा लगेगा उसका हम एस्टीमेट कर पा रहे हैं। मेरे को टोटल कॉन्ट्रैक्ट में 240 लाख रुपया खर्चा लगेगा, 300 लाख रुपया मिलेगा, 60 लाख मेरे को प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इज द आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एनी एग्जाम का आउटकम इज पास फेल, एनी कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम इज प्रॉफिट लॉस। तो हम प्रॉफिट विच इज द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आई कैन रिलायबली एस्टिमेट इट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दिस, सबसे पहले मेरे को पता करना पड़ेगा कि हाउ मच परसेंटेज वर्क इज डन, और वो निकलता है 1/3, 80/240 × 100, तो इट इज कमिंग 33.33%, मैं 1/3 बोल रहा हूं। ये जो परसेंटेज वर्क डन निकालने का तरीका है इसको कॉस्ट कंपैरिजन मेथड बोलते हैं, माने कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, अभी तक आपने जो खर्चा किया और टोटल कितना खर्चा लगेगा उसके रेशियो से हम लोग परसेंटेज वर्क डन निकालते हैं। परसेंटेज वर्क डन निकालने का दो और तरीका भी A7 में सजेस्टेड है, वन इज कॉल्ड फिजिकल वेरिफिकेशन। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की साइट पे जा करके पता कर सकते हैं कि भाई कितना काम कंप्लीट हुआ है, उसको बोलते हैं कंप्लीशन ऑफ फिजिकल प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
और उसमें एक और तरीका चलता है जो कॉस्टिंग में बहुत फेमस है, सर्वेयर सर्टिफिकेट, कि सर्वेयर ने कितना काम हो गया बोला है, बिकॉज सर्वेयर इज एन आउटसाइड एक्सपर्ट, वो भी बता सकता है कि कितना परसेंट वर्क डन हुआ है. उसके लिए ऑब्वियसली सर्वेयर विजिट्स द ऑफिस ऑफ द साइट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो तीन तरीके से परसेंटेज वर्क डन निकलता है, पर एग्जामिनेशन में ज्यादातर वक्त यही वाला तरीका का सम आता है. अब क्या हो गया, क्योंकि 1/3 कॉन्ट्रैक्ट का काम कंप्लीट हो गया, तो जो हम रेवेन्यू पीएल में डालेंगे वो जो मेरे को 300 लाख मिलने वाला, बिकॉज जो मिलने वाला होता है उसी को रेवेन्यू बोलते हैं. तो 300 का 1/3 हम पीएल में डालेंगे, विच इज 100 लाख रुपीस जो मेरे पीएल में इनकम साइड में जाएगा, और 80 लाख रुपीस मेरे पीएल के खर्चा साइड में जाएगा, विच इज माई कॉस्ट इनकर टिल डेट. एक चीज याद रखना है कि अगर कॉस्ट इनकर टिल डेट में कोई मटेरियल एट साइट जैसा कुछ अगर है तो उसको माइनस कर दीजिएगा, बिकॉज मटेरियल एट साइट इज एन असेट. हम लोग उसको बोलते हैं कॉस्ट इनकर्ड फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज. तो कॉस्ट इनकर्ड फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज इज एन असेट, वो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट पीएल में नहीं जाएगा. तो अगर इस 80 के अंदर में कोई कॉस्ट इनकर्ड फॉर फ्यूचर एक्टिविटी मान लो 5 लाख इंक्लूडेड रहता, अगर रहता, तो मैं 80 की जगह 75 लिखता और फर्दर कॉस्ट में उस 5 को ऐड कर देता, क्योंकि वो जो मटेरियल एट साइट है वो बाद में कंज्यूम तो होगा ही, तो वो फर्दर कॉस्ट में ऐड हो जाता. तो वो चीज थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि व्हेन यू सेंड द कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट टू पी एंड एल, इट शुड नॉट हैव एनी कॉस्ट इनकर्ड फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज, बिकॉज दैट इज एन असेट दैट विल बी कॉस्ट इनकर्ड इन द नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर. अब जो 100 लाख मेरे पीएल में रेवेन्यू में जाएगा, तो हम जब अपना पीएल बनाएंगे दैट विल लुक लाइक दिस. बाई रेवेन्यू 100 लाख, टू कॉस्ट 80 लैक्स, टू नेट प्रॉफिट 20 लैक्स. दिस इज हाउ ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स बुक्स इज प्रिपेयर्ड. अब इसमें एक तो इंटरेस्टिंग बात आती है कि सेकेंड ईयर में कैसे अकाउंटिंग होता है. अगर गिवन डेटा यही वाला लेना है फर्स्ट ईयर का, तो सेकेंड ईयर में जो अकाउंटिंग होती है उसको क्यूमुलेटिव अप्रोच बोलते हैं, क्यूमुलेटिव अप्रोच. उसको ईयर टू डेट अप्रोच भी बोलते हैं, और ये कॉस्टिंग में भी पढ़ाया जाता है. इसमें क्या होता है कि पहले 2 साल का मिला के अकाउंटिंग होता है, फिर फिगर निकालने के बाद फर्स्ट ईयर का फिगर माइनस करके इक्वल टू सेकेंड ईयर होता है. माने 2 ईयर्स कंबाइंड फिगर्स माइनस फर्स्ट ईयर डेटा इक्वल टू सेकेंड ईयर डेटा. देखो कैसे, मान लो सेकेंड ईयर में मैंने 2 साल मिला करके मैंने पता किया कि मेरा कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, एक मिनट, हां, मेरा कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट आया 200 और मेरा फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट लगेगा 50, तो मेरा 250 लाख में काम कंप्लीट हो जाएगा. और इधर में मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 300 का था, उसमें एस्केलेशन क्लॉज की वजह से मेरे को प्राइस वेरिएशन अलाउ किया उन्होंने 30, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सेकेंड ईयर में 330 हो गया. हम इस एस्केलेशन क्लॉज के प्राइस वेरिएशन को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में तब तक ऐड नहीं करेंगे जब तक हमको इस बात का रीजनेबल भरोसा नहीं हो जाता कि यह प्राइस वेरिएशन मेरे को मिल जाएगा. मतलब कॉन्ट्रैक्टी के अप्रूवल के बाद ही हम इसको इनकम में ऐड कर सकते हैं, तो मेरे को अप्रूवल मिल चुका है. अब देखो वर्किंग कैसे होता है. परसेंटेज वर्क डन इज 1/3, 200/250 विच इज 80%. अब पिछली बार मेरा 30% काम कंप्लीट हो गया था, 1/3 33, इस बार मैंने 80% काम कंप्लीट कर लिया है, तो ये 2 साल का मिला के 80 है, तो रफली मेरा 50% काम इस साल कंप्लीट हुआ, 80-30. अब इसका फिगर कैसे निकलता है मैं आपको दिखाता हूं. इसमें जो रेवेन्यू का फिगर है कि हम पीएल में रेवेन्यू कैसे डालेंगे,
तो वो होगा 330 × 80%। अब सोचो 330 क्या है, 330 है मेरे टोटल टोटल रेवेन्यू 100% का, उसका अगर मैं 80% मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे दो साल का रेवेन्यू आ जाएगा 33 और 50 मिला के, 83 होता है, मैं 80 बोल रहा हूं, 330 × 80% माइनस पिछला साल का रेवेन्यू, ये वाला माइनस 100। तो अब हम जो रेवेन्यू भेजेंगे पीएल में, दैट विल बी 164, और कॉस्ट जो पीएल में भेजेंगे वह ये 200 जो मेरा टोटल कॉस्ट फॉर टू इयर्स माइनस ये 80 जो मेरा फर्स्ट ईयर का कॉस्ट, तो इट्स 200 माइनस 80 दैट इज 120। और हम जो पीएल बनाएंगे वो इस तरह का बनेगा, बाय रेवेन्यू 164, टू कॉस्ट 120, टू नेट प्रॉफिट 44। अच्छा, ये जो पीएल बनता है ना, ये जो अगर कॉरपोरेट एंटिटी का पीएल है तो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बनता है। हम लोगों को एग्जाम में इतना सा बना देने से अपना काम हो जाता है, बिकॉज हमको जब कॉन्ट्रैक्ट का A7 का क्वेश्चन पूछेगा तो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में नहीं पूछेगा, लेकिन ये रियल में बनता शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में ही है। अच्छा, अब आता है क्वेश्चन की लास्ट पार्ट, इज लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग कैसे होती है। तो उसमें लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट कैसे पहचाना जाता है, मैं आपको दिखाता हूं कि मान लो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 280, मान लो कॉस्ट इनकर टिल डेट हो गया है से 210, और मान लो फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट लगेगा 90, टोटल 300 में काम कंप्लीट होगा। अब अगर मेरा टोटल खर्चा लगेगा 300 और मेरे को रेवेन्यू मिलेगा 280, तो मेरे को तो लॉस होगा ना 20 का। तो A7 कहता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में लॉस को देख रहे हैं, इफ यू आर फोर सीइंग, पहले से देख पा रहे हैं लॉस, देन लॉस का फुल अकाउंटिंग हो जाना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक प्रोविजनल सिस्टम या प्रोविजन वाला सिस्टम, नॉट प्रोविजनल सिस्टम, एक प्रोविजन वाला सिस्टम डेवलप किया जो हम आपको इस एग्जांपल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। उन्होंने बोला पहले परसेंटेज निकाल लो 1/3 करके, जो कि 70% हुआ। फिर आप रेवेन्यू निकाल लो जो कि 280 × 70% हुआ 196। फिर आप पीएल बना लो बाय रेवेन्यू 196 टू कॉस्ट 210, और देख लो कि कितना लॉस बुक हो गया। तो 210 माइनस 196 अगर करेंगे तो 14 लाख का लॉस तो यहीं पे दिख रहा है। देखो 14 लाख, इसको पीएल माने है, ये पीएल, क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे तो 14 लाख दिखेगा, लेकिन अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो टोटल लॉस है जिसको हम फोर्सी कर रहे हैं वो है 20 लाख, क्योंकि 300 में मेरा टोटल खर्चा का काम होगा, 280 मेरे को मिलेगा तो 20 लाख का मेरे को लॉस होगा। उसमें 14 लाख का हम अकाउंटिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो सोचो कि प्रोविजन कितना बनेगा। आंसर इज प्रोविजन विल बी 6 लाख एंड नेट लॉस विल बी 20 लाख। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग होती है। पूरा लॉस फर्स्ट ईयर में रिकॉर्ड किया जाता है प्रोविजन बना करके। लॉस पहले निकाल लिया जाता है, पीएल बना लिया जाता है, पीएल के लॉस को टोटल लॉस से कंपेयर करके बैलेंसिंग अमाउंट का प्रोविजन बना लिया जाता है, और लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट की ऐसे अकाउंटिंग होती है। मेरे ज्यादातर क्वेश्चन लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट के ही हैं, ज्यादा एग्जाम में लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट का ही सम आता है। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट में एक डिस्क्लोजर होता है कि ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर दिखाना पड़ता है। क्या बोलिए तो, ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट प्लस रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड माइनस प्रोग्रेस बिलिंग। आप जब इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल देखोगे तो उसमें आपको एक दो एग्जांपल में
ये डिस्क्लोजर का स्टोरी बनेगा। तो वो डिस्क्लोजर देखिएगा कि कितना एडवांस मिला, कितना रिटेंशन हमने किया, कितना रेवेन्यू टोटल रिकॉर्ड हो रहा है, कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज हुआ। अलोंग विद दीज डिस्क्लोजर्स एक डिस्क्लोजर आता है ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट प्लस रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट माइनस प्रोग्रेस बिलिंग। ये ज्यादातर टाइम पे इंटरमीडिएट में आता नहीं है, लेकिन मैंने देखा एक दो टाइम पे, एक दो सेमेस्टर में इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था। तो ये डिस्क्लोजर के लिए होता है कि ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर कितना है। इसमें रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट की जगह अगर रिकॉग्नाइज्ड लॉसेस रहता है तो वो माइनस कर दिया जाता है। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट आप समझते हैं, देखो यहां पे जैसे कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 210, रिकॉग्नाइज्ड लॉस इज 20, तो आप बोलेंगे 210 माइनस 20। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट देखिए 210 माइनस रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट, लॉस है तो माइनस कर दिए 20। अब मान लो प्रोग्रेस बिलिंग होता 172 का, प्रोग्रेस बिलिंग जितना बिल हमने सामने वाले पे रेज किया, फिर वो हमको जितना पैसा रख के बैलेंस दिया वो एडवांस हो गया। मैंने अगर ज्यादा पैसा दे दिया तो एडवांस हो गया, हमको कम पैसा दिया तो रिटेंशन हो गया। तो हम उसके ऊपर 172 का बिलिंग किए, वो अगर हमको 180 पे कर दिया तो हम बोलेंगे 8 इज एडवांस, वो हमको 170 पे किया तो हम बोलेंगे 2 इज रिटेंशन। और ये जो अमाउंट है 210 माइनस 20 माइनस 172, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स। ये नेगेटिव में अगर आए तो ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर भी हो जाता है। सो दिस इज द रिविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अब आप इंस्टीट्यूट का एक्सरसाइज का सारा सम, इलस्ट्रेशन का, मेरा सारा इलस्ट्रेशन, एक दो सम को 30-70 का जो रेशियो बोले थे ना, उस तरीके से बनाओ। इसमें ज्यादा सम आप रीड करके भी निकाल सकते हो, बैठ के पेपर पे सॉल्व करना सारे सम को जरूरत नहीं है, 2-3-4 सम सॉल्व कर लिया, बाकी सम को रीड करके निकाल दिया। एक एक दिन में 2-2, 3-3 एस करके कंप्लीट करना पड़ेगा, एक दिन में 3 पकड़ लो, 4 पकड़ लो, ऐसे कंप्लीट करना पड़ेगा। थैंक यू, मजा आया होगा रिविजन करके। थैंक यू।